आज जो आपके यहाँ धनौरा में शूटिंग हुई है इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये एक हॉस्पिटल का सीन था जो हमारी एक बहुत ही अच्छी फैमिली कॉमेडी फिल्म आ रही है और अभी तो नाम हमें नहीं क्लियर हुआ है, जब क्लियर होगा तभी तो बता देंगे। लेकिन अभी राजलक्ष्मी बैनर के तले फिल्म बन रही है। अभी जैसे कि हमारी राजा आई है और उसको बहुत ज़्यादा प्यार जनता दे रही है और वो एक हफ्ते में ही लगभग 3.5 करोड़ हो गई है, तो उसी के हिसाब से एक और अच्छी फिल्म हम बना रहे हैं कि भाई ये लोग उससे कम मतलब वो ना लें कि अब तो उम्मीद इतनी रखते हैं कि इससे भी और अच्छी आए। तो बहुत ही अच्छी ये फिल्म है, इसकी शूटिंग यहीं पे गजरौला के आसपास ही चल रही है, धनौरा के आसपास चल रही है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल का सीन था तो वो हम करने आ रहे हैं। इसमें क्या कोई मुद्दे होंगे, पारिवारिक मुद्दे कोई विशेष है? हाँ, इसमें सोशल मुद्दे भी हैं और पारिवारिक मुद्दे भी हैं, वो तो उससे तो हम कभी बच ही नहीं सकते और हट नहीं सकते, वो तो हमेशा हमारी फिल्मों में। और सीखने की कुछ जरूरत ना, हमेशा फटने को रहे। अरे नीच शर्म निहार के रख कुछ रही नहीं रही तुझे। आज मैं तुम्हें काट दूंगा। अरे तुम लोग इसकी सुन क्यों रहे हो? किवाड़ भेड़ो और पकड़ो इसे। लौटे, पकड़ो इसे, ले पकड़ो, पकड़ो इसे। ये एक हॉस्पिटल का सीन था जो हमारी एक बहुत ही अच्छी फैमिली कॉमेडी फिल्म आ रही है और अभी तो नाम हमें नहीं क्लियर हुआ है, जब क्लियर होगा तभी तो बता देंगे। लेकिन अभी राजलक्ष्मी बैनर के तले फिल्म बन रही है। अभी जैसे कि हमारी राजा आई है और उसको बहुत ज़्यादा प्यार जनता दे रही है और वो एक हफ्ते में ही लगभग 3.5 करोड़ हो गई है, तो उसी के हिसाब से एक और अच्छी फिल्म हम बना रहे हैं कि भाई ये लोग उससे कम मतलब वो ना लें कि अब तो उम्मीद इतनी रखते हैं कि इससे भी और अच्छी आए। तो बहुत ही अच्छी ये फिल्म है, इसकी शूटिंग यहीं पे गजरौला के आसपास ही चल रही है, धनौरा के आसपास चल रही है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल का सीन था तो वो हम करने आ रहे हैं। इसमें क्या कोई मुद्दे होंगे, पारिवारिक मुद्दे कोई विशेष है? हाँ, इसमें सोशल मुद्दे भी हैं और पारिवारिक मुद्दे भी हैं, वो तो उससे तो हम कभी बच ही नहीं सकते और हट नहीं सकते, वो तो हमेशा हमारी फिल्मों में। ठीक है, थैंक यू।